राजस्थान में नए सीएम का मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। खबर है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। पहले ये बैठक सोमवार को प्रस्तावित थी, लेकिन नए सीएम की खोज के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, सरोल पांडे और विनोद तावड़े आज जयपुर नहीं पहुंचे। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। तर्क ये दिया जा रहा है कि राजनाथ सिंह का लखनऊ में कोई कार्यक्रम है, इसलिए जयपुर नहीं पहुँच पाए। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है। ऐसे में सहमति नहीं बन पाने की वजह से पर्यवेक्षकों का आज जयपुर आने का दौरा टल गया। राजनीति के विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे मोदी और शाह को चुनौती दे रही है। मान भी लिया जाए कि राजनाथ सिंह के कार्यक्रमों की वजह से विधायक दल की बैठक टाली जा रही हो, सियासी जानकारों का कहना है कि बात इतनी सीधी नहीं है कि राजनाथ के पूर्व कार्यक्रमों की वजह से इतनी देर हो गई। दरअसल पार्टी आला कमान वसुंधरा राजे से डरा हुआ है, क्योंकि विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे को हासिल है, जबकि आला कमान वसुंधरा राजे को पसंद नहीं कर रहा। पसंद करता तो सीएम फेस ही घोषित कर देता, लेकिन ऐसा नहीं किया। वसुंधरा राजे के घर आज भी समर्थक विधायकों का जमावड़ा लगा रहा। आज भी दिन भर वसुंधरा राजे से विधायकों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। सियासी जानकारी से विधायक दल की बैठक से पहले वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अनदेखी करना पार्टी आला कमान को भारी पड़ सकता है। वसुंधरा राजे जिद पर अड़ी हुई है, सीएम से कम कोई पद स्वीकार नहीं है। ऐसे में पार्टी आला कमान के लिए सीएम का फैसला करना कठिन हो रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी पार्टी को भारी पड़ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे ही सियासी समीकरण साध सकती हैं। यही वजह है कि वसुंधरा राजे की तुलना में राजस्थान बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, किरोड़ी लाल मीना, अर्जुन मेघवाल और वसुंधरा राजे समेत आधा दर्जन नाम सीएम की रेस में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट।